नहीं, उसके पहले जो ट्रेलर संदेश खाली में चल रहा है, ये तो पूरा संदेश खाली ही तो अभी पहली झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। बंगाल में गांव गांव से इस प्रकार घटना होने वाला है, अभी वो शुरू हुआ है। ब्रिगेड तो बहुत दूर है, वो लोग संदेश खाली में सभा करने वाले थे, क्यों बंद कर दिए? जाके करके दिखाओ, वहाँ TMC के बैनर में झंडा लेके सभा कराओ, पब्लिक उसका जवाब दे देगी। इसलिए वो सब ना बोले। पिछले बार पूरा देश से सारे पार्टी को बुला करके ममता बनर्जी ने ब्रिगेड में सभा की थी, उसके बाद एक दर्जन सीट उनका कम हो गया था। इस बार दोबारा वही होने वाला है, 10 के नीचे उनका सीट आएगा। शाहजहां की गिरफ्तारी के बारे में अभिषेक ने बोला है शाहजहां को बचाया है हाईकोर्ट। शाहजहां को हाईकोर्ट नहीं बचाया, उसके अगेंस्ट में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। शाहजहां को बचा रही है ममता बनर्जी और TMC, अपना पल्लू के नीचे छुपा कर रखी है ममता बनर्जी शाहजहां को, और ऐसा शाहजहां गांव गांव में है और पब्लिक उसको ढूंढ के निकालेगी। संदेश खाली जाने के रास्ते में फैक्ट फाइंडिंग टीम को अरेस्ट किया है पुलिस, लाल बाजार ले लिया है। ये जो कमीशन है और अलग अलग टीम है, MP टीम, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, इसको रोक करके ममता बनर्जी सोच रही है कि घटना को दबा देंगे, लेकिन संभव नहीं है। वहाँ के लोग, वहाँ के महिलाएं जिस प्रकार से आवाज़ उठा रही हैं, TMC की नेताओं को घर से निकाल रही हैं, पकड़ करके पुलिस को रोक रही हैं, पुलिस की हिम्मत नहीं उनको रोकने के लिए। ये जो घटना से पता चलता है कितना अत्याचार वहाँ हुआ है और पूरा देश इसको देख रहा है। फैक्ट फाइंडिंग टीम के मेंबर ने बोला है अक्टूबर जो टेंशन में है, राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, परिस्थिति ऐसे हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का इतना खराब स्थिति है बंगाल में, पुलिस की कोई कंट्रोल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है, जगह जगह इस प्रकार घटना हो रही है, और अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो यहाँ चुनाव भी संभव नहीं है। उत्तर 24 परगना के अशोक नगर में शूट आउट, पॉइंट ब्लैंक रेंज। देखिए, बंगाल में गांव गांव में शूट आउट हो रही है, अरे ये सारा TMC के अंदर ही हो रही है। TMC के नेता ये सारे एंटी सोशल है, TMC ने उनको नेता बनाया, टिकट दिया, पद दे दिया है, लूट मार जो कर रहे हैं उसको लेकर गोली चल रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, और इसमें समाज में एक प्रकार का भय की परिवेश है। देखिए, बंगाल पुलिस और TMC के मंत्री जा रहे हैं वहाँ के TMC के नेता शाहजहां को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ की जनता अत्याचार सहन करते करते सीमा पार कर चुकी है। इसलिए अजीत माइती जैसे नेता को घर से उठा करके ला कर जूता से पीट रहे हैं, रास्ता में पकड़ रहे हैं, पुलिस का गाड़ी रोक रहे हैं। इसे समझना चाहिए ममता बनर्जी को कि बंगाल की गांव की स्थिति क्या है, कितना अत्याचार उनके लोग कर रहे हैं, और इसका जवाब उनको वोट से भी मिलेगा।